हमके बकवास करे के कौनो आदत नहीं खे, अरे सीधे सीधे दाम लगाए लो और कलेक्टर दामाद पाए लो। तो नमस्कार, हम बानी जीत कुमार और हम सब चालू कर दिलवाने निष्ठक भोजपुर देखें। दरअसल आज हम कलेक्टर साहब मूवी के ट्रेलर के करम रिव्यू, तो चली हमने के रिव्यू चालू कर जा। लेकिन चालू करे से पहले वो काम करी, चैनल बनाए बने सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी जरूर दबाई, बाकी संग मित्र और दौर दया संग बेकर के शेयर कर दी। जो ना फिल्म के नाम बा कलेक्टर साहब। एक्चुअली कलेक्टर साहब मूवी के अगर हमने के पहले कहानी के बात कर ली, तो कहानी में वो साफ साफ दिखाई दे रहा बाटे कि कैसे एगो घर बा और वो घर में एगो लड़का बाड़न और वो घर वाला लोग के पूरा सपना रहत बा कि हमार लड़का कलेक्टर बन जा। अब लड़का के शहर भेत रह जा, लेकिन शहर में लड़का जाके कलेक्टर का बनो, अरे ओकरा पढ़े लिखे नहीं खेव तो कलेक्टर बने तो कैसे बने। अब वो अनाब शनाब औज मौज मस्ती करत बटे और गाँव में जब भी आवत बटे VCR वाला, पहले के VCR वाला कैसेट ले आवत बटे और तो और फिल्म तो ले आवत बटे, संगे संगे वो फिल्म भी ले आवत बा जौना के देख के रात में ढेर लोग मस्ती कर रहन। अब वो फिल्म उनकर चचे चलावे लगत रहन तो थोड़ा सा अजीब और गजीब लगत बा। और बाद से फिर से कहानी आगे बढ़त बा, प्यार मोहब्बत दिखावल गल बा, गाना साना होत बटे। और बाद से फिर लड़का कहत बा यार का करी, हम सलाह कलेक्टर बनिए ना पाई। तब जाके उनकर दोस्त कहता बा बुरबक कहन का पैसा फेंको और तमाशा देखो, तुमको कलेक्टर बनना है ना रे, तो चलो पैसा दो हम कलेक्टर बनवाते हैं। और आसानी से बस वही काम होत बा, अखबार में विज्ञापन छपाल तरन कि जितेंद्र बाबू बन गए कलेक्टर। अब ये देख के आसपास गांव के लोग सब लोग अचक्का भचक्का हो जात बटे। अब भाई उनकर तिलकहरू आवे लगत रह कि लड़का यार कलेक्टर बन गए, आखिर में एकर शादी होई। तो गांव के बड़े बड़े लोग जे भी रहता चाहता कि हमारा रिश्ता हो जा। और बाद से पूरा असेंबली लागत भी आ, ओमें बोली लगावल जात बटे कि भैया जेकर जे अधिका तिलक दी उहे कलेक्टर साहब उनकरे दामाद बनिए। अब सब लोग 2 लाख 1.5 लाख इतने के बोली लगावत बा, लेकिन एगो ऐसन घर बटे जिनकर मतलब घर के सपना रहत बटे कि हमार जब भी बेटी के शादी हुई कलेक्टर के साथ हुई। उ पूरा 3 लाख और अम्बेसडर देवे खातिर अनाउंसमेंट करतरी और उनकरा संगे शादी तय होत बा और उनकरे संगे प्रमोद प्रेमी के प्यार भी चलत रहत बटे। तो अब प्यार शादी में बदल जात बटे, फिर कहानी आगे बढ़त बटे। तब तक पता चलत बटे कि ई कलेक्टर ना ई तो फर्जी कलेक्टर बढ़न। ओकरा बाद से कैसे रिश्ता तोड़ के लड़की के माई उनकरा के अपन घरे लेके चल जात बड़ी। एने लड़का के माई भी एकदम से व्याकुल होत बड़ी कि हमार पतो ही चाहें तो उहे चाहें, कुछ भी हो जा और उनकरा बेहोश सिहोश होखे लगत रही। फिर लड़का परेशान होत बा और कहता कि यार हमरा चलते हमार घर के पूरा लोग के सजा मिल रहा बा, ये कहीं हद तक ठीक नहीं है। और बाद से उन्हें मतलब प्रमोद प्रेमी की जो मेहरारू रहती संजना पांडे, वो भी काफ़ी व्याकुल रहता रही कि अब का करब, प्यार तो उनकरे से भइल बटे, शादी उनकरे से भइल बटे, हम रहे के मन उनकरे संगे करत बटे। और बाद से भागल भागल आवत रहता रही, लेकिन तब तक एक्सीडेंट होत बा और ट्रक उनकरा दोनों गोड़वे के ऊपर से चढ़ के चल जात बा और अपाहिज हो जात बड़ी। ओकरा बाद से किंग ने पति पत्नी के भाव फेर से जागत बा, प्यार होत बा का होत बा का नहीं खे उखन। ओकरा खातिर फिल्म जब आई तो पता चली, ये बात है ट्रेलर में जौन कहानी दिखावल गई बा। ओकरा बाद से अगर हमनी के बात कैल जी ए फिल्म में एक्टर लोग के, अब देखिए प्रमोद प्रेमी थोड़ा सा यार और दुबला पतला रहता तो मजा आई ठीक बटे। इस फिल्म के हिसाब से उनकर पहनावा अच्छा लागत बटे, एक्टिंग में अभी थोड़ा सा उधार नहीं खे दिखे के मिलत जो उनकी प्रमोद प्रेमी के चाहिए। संजना पांडे अपन काम अच्छा तरीका से ट्रेलर में उनकर दिखाई दे रहा बा, बाकी संजय पांडे तो अपन रोल में एकदम से फिट मस्त दिखाई दे रहा, बाकी महेश आचार्य भी अपन रोल में ठीक ठाक बढ़ान, विनोद मिश्रा हो खस या संतोष श्रीवास्तव प्रमोद प्रेमी के बाबूजी के रोल में भी ठीक ठाक दिखाई दे रहा बड़। बात कल जी ए फिल्म के हमने के गीत संगीत के जो उनके सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हुए, गीत संगीत कुछ ठीक बटे और कुछ एल्बम या पैटर्न पर ही बनावल गुल बा ए में भी गीत संगीत के, बाकी एक्शन नाम के एमेशन कोई चीज़ नहीं खे। गांव और हल्का सा शहर के कम्बिनेशन दिखावल गुल बा, लेकिन शहर वाला कम्बिनेशन शहर नहीं खे लागत, वो पूरा गवाई टाइप के ही लागत बाटे। बाकी एक तरफ से देखा जाओ तो ये फिल्म एगो एंटरटेनमेंट के तौर पर बहुत ही अच्छा बाटे, देखला के बाद मजा आ सके ला और सही सही दिखावल भी, मतलब एक तरफ से ना गांव के कंसेप्ट के हिसाब से अच्छा बनावल गोइल बाटे। बाकी ए फिल्म के निर्माता बने संदीप सिंह और अरविंद करुआ कुमार अग्रवाल और ए फिल्म के डायरेक्ट कर बने इश्तियाक शेख बंटी। इश्तियाक शेख बंटी प्रमोद प्रेमी के जौना हिसाब से एक्ट हो या संजना पांडे के, वो लेवल से अगर देखा जाओ तो कई ज़्यादा
ऊंचा स्तर के इस फिल्म के बनावल गेल बटे। और इश्तियाक शेख मंटी कमाल के एगो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, एमे अपन उ चीज़ भी दिखावे के कोशिश करे। ट्रेलर के जौन काटल गेल बटे वो बहुत ही अच्छा तरीका से काटल गेल बा। ट्रेलर थोड़ा और छोटा हो सकत रहे, इतना लंबा करके ट्रेलर के बोर कैल ठीक नहीं खेला। बाकी इतना ही बार रिव्यू रहा लोगों ने कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और देखत रहें जा न्यूज़ तक भोजपुरी, बाकी राम जीत।